नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक टीके में। मेरे पास है Vivo X80 जिसमें है डायमेंसिटी 9000 5G प्रोसेसर एंड द सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस जिसमें है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 5G प्रोसेसर। दोनों का ही करते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखते हैं कौन सा डिवाइस रहेगा फास्ट आपके डेली यूज एप्स में। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन को करते हैं सेम टाइम रीस्टार्ट और देखते हैं कौन सा पहले होम स्क्रीन पर आता है और फास्ट है रिबूट टेस्ट में। यह है दोनों ही डिवाइसेस की हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशंस। दोनों ही हमारे पास है 8 GB रैम वेरिएंट पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिलेगा आपको एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट। वीवो एक्स 80 में मिलेगा आपको 3 मेजर OS अपग्रेड एंड गैलेक्सी S22 प्लस में मिलेगा आपको 4 मेजर OS अपग्रेड। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो कर्व डिस्प्लेज हैं वीवो एक्स 80 में और फ्लैट डिस्प्ले है गैलेक्सी S22 प्लस की। यहाँ पर पहले होम स्क्रीन पर आ गया वीवो X80 जो कि यहाँ पर फास्ट है रिबूट टेस्ट में कंपेयर करें अगर गैलेक्सी S22 प्लस से। और यहाँ पर S22 प्लस भी होम स्क्रीन पर आ गया है। दोनों ही स्मार्टफोन शो करते हैं सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड और सभी रिसेंट ऐप शो कर दिया है क्लोज। अब करते हैं इनका स्पीड टेस्ट कंपेरिजन ऐप ओपनिंग से और देखते हैं कौन सा डिवाइस है फास्ट। BGMI गेम को भी यहाँ पर पहले ओपन किया है Vivo X80 ने। अगर बात करें ग्राफिक्स की तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस में आपको सेम ग्राफिक्स मिलेगा। जो डिफरेंस है कि 90 FPS मिलेगा आपको स्मूथ में Vivo X80 में और Samsung Galaxy में मिलेगा आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। और जो रेस्ट ऑफ द ग्राफिक्स हैं वो सेम ही सपोर्टेड हैं दोनों ही डिवाइसेस में, अल्ट्रा HD तक सपोर्टेड है।
जो कि अल्ट्रा एचडी पर अल्ट्रा सपोर्ट करते हैं और यूएचडी ग्राफिक्स दोनों ही डिवाइसेस में कमिंग सून शो कर रहा है। 13 पॉइंट स्कोर किया है वीवो X80 ने और 5 पॉइंट स्कोर किया है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस ने। आप बताएं कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग टाइम डिफरेंस है वो दोनों का ही सेम था, स्लाइटली यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया है वीवो X80 ने और जो परफॉर्मेंस है दोनों ही डिवाइसेस की काफ़ी बेटर है। लेकिन जो यहाँ पर वीवो X80 है स्लाइटली बल्की है और जो S22 प्लस है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होता है इन हैंड में। अब करते हैं इनका रैम मैनेजमेंट टेस्ट और देखते हैं कौन सा डिवाइस यहाँ पर बेटर रैम मैनेजमेंट कर पाता है। दोनों ही डिवाइसेस में 8GB रैम वेरिएंट। सबसे पहले ओपन करते हैं गाना ऐप और यहाँ पर रिलोड किया है वीवो X80 ने। देन नाउ वी ओपन प्ले स्टोर, यहाँ पर दोनों ने अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रखा है। देन क्रोम ब्राउज़र, अगेन यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस ने रिलोड किया है। फ्लिपकार्ट, काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रखा है दोनों ही डिवाइसेस ने। अमेज़ोन रिलोड किया है वीवो X80 ने। यूट्यूब, यहाँ पर रिलोड किया है अगेन वीवो X80 ने। जॉइन एंड क्लैश गेम को भी रिलोड किया है वीवो X80 ने। देन नाउ ओपन टेम्पल रन और यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस ने काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रखा है गेम को। एंड द नेक्स्ट इज सबवे सर्फर, यहाँ पर रिलोड किया है वीवो X80 ने और काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रखा है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस ने। देन नाउ द लास्ट BGMI और यहाँ पर रिलोड किया है अगेन वीवो X80 ने। तो यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेटर है गैलेक्सी S22 प्लस का कंपेयर करें वीवो X80 से। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा डिवाइस ज़्यादा बेटर लगा परफॉर्मेंस में और कौन से डिवाइस के यहाँ पर लुक्स ज़्यादा बेटर है, वीवो X80 या फिर सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।